गाइस, कल रात का व्लॉग जो मैंने पूरा नहीं कर पाया था, मैं आज कंप्लीट करना चाहता हूँ अभी जस्ट। तो आज का मेरा ड्रेस ये है, देख लो, और ये है बैग। और रही बात, अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वो आपको दूसरे वाले चैनल में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आपको और एक चीज़ बताना है, वो मैं दूसरे वाले चैनल में बताऊंगा, जिसमें विजय छेत्री लिखा हो चैनल जो है मेरा, उसमें पता चल जाएगा आपको। और गाइस, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता देना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपके प्यारे प्यारे हाथों से। और प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा 5K कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और गाइस, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ प्लीज़ कमेंट में बता देना। आप सभी को बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, और आप सभी को जय बुद्ध जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, और आप सभी को नमस्ते काशी जिले। और गाइस, आज मैं आप लोगों को ये बात बोलना जरूरी कि कलमा के हमने खाता नहीं डाला। और आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी का फोटो ऐसे रखा है, खाता वगैरह नहीं चढ़ा है, तो अभी चढ़ाएंगे, पर गुरुजी के लिए अच्छा सा यहाँ पे कुछ बनाएंगे मंदिर जैसा, फिर उसके बाद खाता चढ़ा देंगे गुरुजी के ऊपर। और रही बात, 15-20 रुपए लेने का बड़ा नहीं है, और दिल से मानते हैं हम, इसलिए हमें गुरुजी का अच्छा जगह देख रहे हैं, उसके बाद हम चढ़ाएंगे। आपने वैसे सुन ही लिया होगा जी, मैडम जी ने क्या बोला है, हमारा गोलगप्पे ने, बहुत लोगों ने कमेंट में बोला है कि दलम्मा जी का खाता लेने को पैसा नहीं किया, पैसा बहुत है, 10 रुपए ने पैसा है, तो दलम्मा जी का गुरु जी का खाता लेने पैसे क्यों नहीं होगा मेरे पास में। हाँ, खाता कितना होगा, बहुत बोला 50 रुपए होगा, आजकल तो बिकता है, हमारे टाइम पे तो फ्री में देते थे, ठीक है ना। और गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाह रहा था कि आज हम दोनों रिजॉइन हो चुके हैं, और हम दोनों रिजॉइन हो चुके हैं, और हम लोग का रिलेशनशिप आगे चलेगा अच्छे। कब तक? जिंदगी भर तक, जब तक साथ में है। फिर नाटक चलेगा? नहीं। फिर ड्रामा चलेगा? नहीं। फिर झगड़ा होगा? नहीं। तेरी भैंस की तरह प्रपोज करके बोला कि तुम इतनी क्यूट क्यों हो, तुम इतने क्यूट हो, मैंने आते समय बोला था, और प्लस मैंने बोला था कि इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कभी भी। और रही बात आज की, तो आज हमारे मेरे को MT जाते समय कुछ सब्सक्राइबर मिले थे जो नेपाल से थे शायद, या सिक्किम से होंगे, कहीं से होंगे, पता नहीं, मेरे को सॉक्स भी नहीं दिलाया किसी ने, उसको जूता दिला, और मेरे को ये वाली शूज दिलाई है, सीधा मिले, मिलने के साथ साथ दिखाता हूँ, सीधा मिले, मिलने के बाद पहले हाय हेलो करे, फिर उसके बाद बोले कि एक फोटो लेंगे, तो फोटो वगैरह दिए, फिर उसके बाद बोल रहे चलो मैं तुम्हें शूज दिलाता हूँ, मैंने बोला नहीं चाहिए, पहले तो नहीं चाहिए बोला था, फिर उसके बाद बोला नहीं नहीं चलो दिला देता हूँ बोला, मैंने बोला ठीक है फिर चलिए, कौन सा दुकान में जाना बोला, तुम जो बोलोगे वही दुकान पे बोलाओ मेरे को, फिर मैंने बोला आपकी मर्जी, आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी बोला था, फिर उन्होंने बोला चलो यहाँ सामने वाली जो मंदिर के बाजू में है दुकान, वो वहाँ पे लिया था, पर वहाँ पे आराम ट्रेन नहीं छूट रही पर वहाँ पे उनको मतलब उनका चॉइस का मिला नहीं, फिर उसी दुकान का ब्रांच दूसरा जगह है जो अंडरग्राउंड में था, तो वहाँ से ले लिया था, वहाँ गए, वहाँ से फिर इन्होंने दिलाया है ब्लैक वाली एयरफोर्स ट्रेनिंग, अभी जस्ट निकाला है। और रही बात आज मैं कैसा लग रहा हूँ आप बता दे रहे हो, बाद में दिखाऊंगा आपको। और हम दोनों तीनों क्या सच में रो रही है या मजाक कर रही है? सवाल ना पूछो, इतने सब्सक्राइबर है मेरे, मैंने क्या बुरा किया तुम लोगों के साथ मेरे को? ए एडी पागल। और रही गाइस, आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, आ
तो मैं आपको भाई जो इसको शूट दिलाया क्यों मेरे पैर का नहीं पता था कि छाप 5 नंबर 4 नंबर था, दिला देते मेरे को भी है। मेरे शूज पूरे फट गए, पता नहीं कितने साल से एक शूज ढूंढ रहा, मेरे को भी दिला देते भाई, क्या दिक्कत थी। एक को दिलाया एक को नहीं दिलाया, धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया। ये लड़ू गाली दिया इसने, अब छप गया यूट्यूब। मेकअप तो है नहीं, ये कब का दीदी ने भेजा था, अभी भी चल रहा है। कोई मेकअप भेज दो मेरे को भी प्लीज, अमेरिका लंदन पेरिस से कंपनी वाला मेकअप, हील्स रोना ना पड़े ऐसे हील्स भेजो। मैं भी हील्स पहन के टनाटन, और मेरे डबल एक्सेल मेरा साइज है, मतलब भेजो ना कपड़े अच्छे अच्छे प्लीज। आई रिक्वेस्ट, मैं भेक नहीं मांग रहा, पर मेरे को जिसने जिन्होंने मेरे को ये जूता दिलाया है उनको, वो जूता बता छोड़, नहीं उनको थैंक यू तो बोल दो, थैंक यू नहीं बोलेंगे ऐसे, नहीं बोलना थैंक यू, मैं थैंक यू नहीं बोला, मेरे को नहीं दिया। आई हेट यू। तो गाइस जिन्होंने मेरे को ये जूता दिलाया वो भैया को, भैया थे, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। खुश है, मतलब कौन था मतलब उनका नाम मैंने पूछा ना, ये मेरा गलती हो गई जो मैंने उनका नाम नहीं पूछा, पर वो है भैया जो है वो नेपाली है, शायद नेपाल से होंगे। राम रोचा, धन्यवाद। मैं क्यों बोलूं मैं को क्या दिया, चप्पा दिया मेरे को, मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सूज दिलाने के लिए। इसका सब्सक्राइबर है ना, मेरा थोड़ी है, घंटा है मेरा। उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं दिया, मैं आज भी दिल में नफरत रखूंगा। आई हेट यू। और उनका मेरा फोटो तो भी आया, झूठ है, मजाक किया, दिल पे मत लेना। मैंने उनका फोटो लिया है, मैं आपको उसमें डालूंगा, क्या बोलते हैं, थंबनेल में डाल के दिखाऊंगा। तो गाइस अभी आप लोग बने रहो, मिलूंगा थोड़ी देर में आप लोगों से। नहीं आज कल लोग यहीं तक ही गाइस, बहुत लंबा चौड़ाऊंगे नहीं हुआ। हमारा लव स्टोरी फिर से शुरू होना चाहिए वैसा पहले जैसा। इसके साथ कोई लव स्टोरी नहीं होने वाला हमारा, इसके पास ना लगी यहाँ निकल कहीं जाएगा लग रहा है। मेरे को तो पैर कितना झूठे प्यार क्यों कर दूँ, तो झूठा प्यार क्यों कर रहा हूँ। देखा आप जब प्यार करता हो तो ये बोलती है झूठा प्यार करता हूँ। हाँ क्यों समझा रहे, यहाँ समझा है ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि झूठा प्यार है ना, वहाँ दूसरी तरफ जाके कुछ नहीं मिला, यहाँ कितना भी करो यूट्यूबर के पास जाओगे तो सब मिलेगा, इसलिए मरा नहीं आगे। देख लो इधर इधर से दोस्त बनने के नाटक करा, मैंने बोला दोस्त बनना है कोई बात नहीं, दोस्त बनोगा बोला ना तूने, मैंने बोला था दोस्त बनूंगा। तो फिर प्यार फिर से प्रपोज क्यों किया तूने मेरे को, तो तूने एक्सेप्ट क्यों किया फिर, मजाक कर रहा हूं, एक्सेप्ट किया था तूने, प्यार का टंग तो क्यों ना गर्दन में, सही बात है ना, एक्सेप्ट मैंने क्यों किया। मदर की चोट, निकल अभी यहां से, निकल ओए ओए ओए, अच्छा नहीं दिख रहा लॉन्ग में दिख रहा। चलो चलो चलते, उठो उठो उठो, इधर तो हाथ दो,
मारना चाहिए क्यों? चट पड़ेगी मेरे को। ये भूसी वाला नहीं गॉन। फिर से भाग गया। अरे सॉरी चश्मा दिखा दीजिए। अंबानी जी का चश्मा, बिना चश्मे के भी अच्छे दिखते हैं। 100 रुपए 150 रुपए का चश्मा था। चश्मा अब आंखें देखो, बिंगा दिखाना। आगे खोल आगे खोल। ये बिंगा देखो, ये बिंगा को देखो, ये बिंगा चश्मा पहन के हीरो बन रहा था, ऋतिक रोशन बन रहा था। लाओ चल चश्मा पहन के क्यों कर रहा था? असली रूप दिखा दो सामने में। चश्मा पहन के दिखा रहा था, अब सामने दिखा दो। मेरा माने पूजा करने का वो माला है, पता करने का नहीं पता। तो चलो गाइस, आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलेंगे फिर कल मार खाते हुए। और अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब मजाक है, सीरियस मत लेना आप लोग। ले तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। आप सभी को बोलो। बोलो ना, खत्म करो जल्दी। आप सभी से अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा फिर आपसे कल। तब तक के लिए आप लोग बने रहो, और आप सभी को बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। ठीक है, टेक केयर। और आप सभी को हम दोनों की जोड़ी कैसे लगी? हाँ सॉरी, अच्छा बोलना चाहिए, तेरे को याद नहीं आता। मेरे को मार के कोई फायदा नहीं, मैंने बोला ना दर्द तो तुम्हें होगा। क्यों मारती हो यार? तो आप सभी से दोबारा फिर से बोलता, तीन बार अटक गया, आप तीसरी बार करता हूँ रुको। और आप सभी से हम दोनों माफी मांगते हैं, हम दोनों मजाक कर रहे थे। आप सभी से ये आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, कुछ हो नहीं ना। और आप सभी से दिल से नमस्ते, ताशी दिल्ले, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बातो घुमारो। और मैं आप सब ये नहीं बोलना है पहले ये बोलो कि तुमने प्रपोज कैसे किया, हम रिजॉइन कैसे हुए, एक्सप्लेन करो पहले। जल्दी जल्दी पिक्चर चला जाएगा, मार मार के तो भरता बना रही, बोलने ले दे रही। अब तुम बोलो, मैं नहीं बोलू। जिनुमा ने मारा छेत्री को, जिनुमा ने मारा, इतने मारा कि नीचे से भी पानी। हम बोलो खत्म करो, जल्दी जल्दी करो, निकलना। तो फिर तब से ये करना चाह रहा हूँ। तो फिर यहाँ बाल है, अब जल्दी बोलो। और मेरा आज का ब्लॉग यही तक है गाइस, आप सभी से अलविदा लेता हूँ, अब मिलूंगा कल आपसे। और पहले वो बोलो ना, नी जॉइन की बात मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में, बोला नहीं थी मेरे ब्लॉग में था वो, मेरे वाले में बोल दिया मैंने, अभी बोला है, उधर सुन चुका है, तुमने नहीं सुना? आगे आगे हमारा जुड़ी मतलब
रिलेशनशिप आगे ऐसे ही चलते रहेगा बच्चे की तरह पहले की तरह जैसे ठीक है। सो गाइस इसने प्रपोज किया अच्छे रहेगा प्रॉमिस किया रहोगे ना मेरी सर की कसम तुम मर भी जाए फर्क नहीं पड़े अब एंग कर दो बाली निकल गई होते बाली मेरी कसम की है तुम्हारी कसम आगे ऐसे ही रहूंगा ठीक है जैसे पहले रहते थे मैं वो माऊआ ने हाँ नहीं मारूंगा ना अभी लेफ्ट हैंड गांड धोने वाली है ये राइट हैंड है राइट हैंड है लेफ्ट हैंड था तभी तो हटाया राइट हैंड है तुम्हारी कसम इससे तो तुम धोते हो राइट हैंड से कौन धोता है तू है ना ये तो लेफ्ट ही है ना हाँ ये लेफ्ट ही राइट हैंड रखते है ना खाने वाले हाथ रखते है कसम खाने तो ये खाना उल्टा रखते हैं राइट ही कौन सा तुम बताओ तो राइट ही कौन सा ये तो फिर मेरा कौन सा राइट है ये राइट है ना हाँ तो ये गांड धोते ना तो हाँ अच्छा कहा हुआ धोते हुए देखा तुमने तो तूने बोला तू लेफ्टी है तो लेफ्टी हो खाते समय लेफ्टी थोड़ी ना राइट ही हो ना ना खाते हुए भी लेफ्टी है तो तीन वो बोला थे वो कब बोला आपने मैंने देखा इसको कौन से हाथ से खाता है मगर खाते हुए देखा है हाँ लेफ्टी में कौन से हाथ से खाता है वो नोटिस नहीं कर रहा ले नोटिस नहीं किया बोल रहा है तो लेफ्टी से खाता चलो लेफ्टी रख देता हूँ अब फिर राइट रख दोनों रख दे दोनों रख दे सौभाग्यवती भाग्य ठीक है इसकी सर की कसम खा के कहता हूँ आगे से रिलेशनशिप अच्छा रहेगा हम लोगों का मतलब मेरे तरफ से क्योंकि जैसे पहले रहते थे हम वैसे ही रहेंगे जैसा आप लोगों पहले देखा था अच्छे से शादी तो अभी करेंगे उसी में थोड़ा टाइम जल्दी तुमने टाइम दिया है ना मैंने दिया ना तेरी बात तो वो ना तो मैं तो रेडी हूँ अभी भी करने के लिए तो साथ ही कल ही चलती है कोर्ट मैरिज करने के लिए है कि नहीं संडे को खुला देंगे कोई खर्चा करने वाला है तो बोल देना प्लीज हम दोनों की शादी में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए खर्चा करा दो मेरा पति बस हम दोनों की शादी के लिए प्लीज मदद कर दो पैसे की हमारे हाथ में मत दो आ जाओ दिल्ली शादी करा दो शुक्रिया गुड जॉब तो गाइस यही है जीता हुआ आप लोग मैंने बाय सी यू टुमारो बाय टुमारो अब हो गया ना यार बोल रहा हूँ बोलने दो ना क्या बोल एंड कर रहा हूँ ना एंड करने दो ना बाय टुमारो क्यों बोल तो वो घूम फिर के फिर ब्लॉग बनाना ही है तो बाय टुमारो तो होता ही लव यू ऑल गाइस और आप सभी को बाय लव यू ऑल बाय लव यू बोला ना ऑल ऑफ यू All of you, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है सबको आई लव यू कितने नौ सौ दस और लास्ट टाइम जिसने मेरे को सूरज दिलाया भैया उनके लिए उनको थैंक यू आगे मैंने लगा नाटक देखना